viewers, it is Hina Sahar and today I brought a new lecture for you, conversation with guest. तो व्यूअर, अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल को, इस वक्त नए देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके और साथ ही इस लेक्चर को आखिर में लाइक भी कर दो. तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर, कन्वर्सेशन विद गेस्ट. आज कौन आ रहा है? हु इज़ कमिंग टुडे? हु इज़ कमिंग टुडे? कुछ मेहमान आ रहे हैं. सम गेस्ट आर कमिंग. सम गेस्ट आर कमिंग. वो कैसे आ रहे हैं? मीन्स कि किस चीज़ पर आ रहे हैं. हाउ आर दे कमिंग? हाउ आर दे कमिंग? दे आर कमिंग बाई ट्रेन. वो ट्रेन से आ रहे हैं या ही इज़ कमिंग बाई ट्रेन. वो ट्रेन से आ रहा है. देखो, लगता है वो आ गए. इसको हम कैसे कहेंगे? लुक्स लाइक ही हैज़ अराइव्ड. लुक्स लाइक He has arrived. अंदर आ जाइए. इसको हम कैसे कहेंगे? Please come in या come in please. बैठ जाइए. Let's sit down. Let's sit down. या be seated आप यूँ भी कर सकते हैं. सफ़र कैसा रहा? इसको हम कैसे कहेंगे? How was the journey? How was the journey? सफ़र काफ़ी पुरसकून था. Journey was quite post relaxed. Journey was quite post relaxed. आप यूँ भी कह सकते हैं, journey was very comfortable. काफ़ी अरसे के बाद मिले हैं. Met you after a long time. Met you after a long time. आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई. सो ग्लेड टू सी यू. या आप यूँ भी कह सकते हैं, नाइस टू मीट यू या नाइस टू सी यू. हमने आपका बड़ी बेचैनी से इंतज़ार किया. वी वेटेड फॉर यू विथ ग्रेट एंग्जाइटी. वी वेटेड फॉर यू विथ ग्रेट एंग्जाइटी या एंग्शियसली. बोथ दीज वर्ड्स गेव सेम मीनिंग्स. आप थक चुके होंगे. इसको हम कैसे कहेंगे? यू मस्ट बी टाइड. यू मस्ट बी टाइड. या आप यूँ भी कह सकते हैं, यू मस्ट बी एग्जॉस्टेड. अब थोड़ा आराम कर ले. टेक सम रेस्ट नाउ. टेक सम रेस्ट नाउ. चलो फ्रेश हो जाओ फिर खाना खा ले. Let's get fresh, then eat food. Let's get fresh, then eat food. जब हम मेहमानों के चीज़ लाते हो कहते हैं, इतना तकल्लफ क्यों? तो उसके लिए हम कैसे कहेंगे? Oh, what was the need? हम यूँ भी कह सकते हैं, what was the need for this? ये तो कोई बड़ी बात नहीं. Oh, it's a small thing. छोटी सी चीज़ है. It's a small thing. खाना बहुत मज़ेदार था. द फूड वॉज सो डिलीशियस. द फूड वॉज सो डिलीशियस. चलें अब सो जाएं, सुबह मिलेंगे. लेट्स गो टू स्लीप नाउ. वी विल मीट इन द मॉर्निंग. लेट्स गो टू स्लीप नाउ. वी विल मीट इन द मॉर्निंग. आप कितने दिन यहाँ रुकेंगे? हाउ मैनी डेज विल यू स्टे हियर? इस जुमले को हम कैसे बोलेंगे? हाउ मैनी डेज विल यू स्टे हियर? वैसे मेहमानों से पूछना तो नहीं चाहिए, मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि इस सेंटेंस को बोला कैसा जाता है. हम यहाँ काफ़ी दिन रहेंगे. वी विल बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. वी विल बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. हम आपका शहर घूमना चाहते हैं. जो मेहमान आए होते हैं ना, वो कहते हैं, We want to see your city. Yeah, we want to visit your city.
ज़रूर इंशाल्लाह कल जाएंगे। श्योर इंशाल्लाह वी विल गो टुमारो। श्योर इंशाल्लाह वी विल गो टुमारो। आपका शहर तो बहुत खूबसूरत है, इसको हम कैसे कहेंगे? योर सिटी इज़ सो ब्यूटिफुल। योर सिटी इज़ सो ब्यूटिफुल। फिर कुछ दिन रहने के बाद मेहमान एज यूजुअली कहते हैं कि अब हमें चलना चाहिए, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ओके नाउ वी शुड गो। ओके नाउ वी शुड गो। एज यूजुअली घर वाले कहते हैं इतनी जल्दी क्या, एक दो दिन और रुक जाओ, तो इसको हम कैसे कहेंगे? व्हाट सो सून, वेट अ डे और टू मोर। व्हाट सो सून, वेट अ डे और टू मोर। नहीं बस इतनी ही छुट्टियां थी, हमें जाना है। नो इट वॉज जस्ट सच अ हॉलीडेज, नाउ वी नीड टू गो। नो इट वॉज जस्ट सच अ हॉलीडे, नाउ वी नीड टू गो। इन दिनों की बड़ी याद आएगी हमें, बहुत अच्छा टाइम गुजरा, इसको हम कैसे कहेंगे? हैव अ गुड टाइम, विल मिस दिस डेज अ लॉट। अल्लाह हाफिज़, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, इसको हम कैसे कहेंगे? अल्लाह हाफिज़, इफ़ लाइफ हैपेंस देन सी यू अगेन। लेकिन इस बार हमने नहीं, आप लोगों ने आना है, इसको हम कैसे कहेंगे? बट दिस टाइम वी डोंट, यू हैव टू कम। बट दिस टाइम वी डोंट, यू हैव टू कम। इंशाल्लाह क्यों नहीं, इंशाल्लाह वाई नॉट, सॉरी इंशाल्लाह वाई नॉट, इंशाल्लाह वाई नॉट। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा ये लेसन पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा।